हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड डिजर्ट, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 लीटर दूध। दूध मैंने बॉईल होने रख दिया था। इसमें मैं डालूँगी 4 टेबल स्पून चीनी, 7 इससे क्या खुशबू तो अच्छी आएगी, कलर भी चेंज हो जाता है, तो इससे थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा इसमें। अगर आप चाहो तो इसकी जगह पर फूड कलर भी डाल सकते हो, नहीं तो दोनों को भी स्किप कर सकते हो। इसकी हमने रबड़ी बनानी है। ये देखिए, ये 7 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ नहीं डाला है, ऐसे ही बनाया है इसको, दूध को ही गाढ़ा किया है। तो ये देखिए, ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा होने रख देंगे। तब तक हम, ये ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं लूँगी ब्रेड। ये मैंने 4 से 5 ब्रेड ले लिए हैं। अब मैं इसके किनारे कट कर लूँगी। ये खाने में इतनी टेस्टी बनती है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और बनाना भी बहुत ईजी है इसका, इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है ये। ये देखिए, इस तरह से हम सारे ब्रेड कट के किनारे कट कर लेंगे। और जो किनारे हैं इनको फेंकना नहीं है, इनका हम ब्रेड क्रम बना सकते हो आप। बस मिक्सिंग जार में डालो और इसको पीस लो, ये ब्रेड क्रम बनकर तैयार हो जाता है। आप कोई भी रेसिपी में डाल सकते हो। अब मैं ले लूँगी कंडेंस मिल्क। ये मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बोले, तो मैं आपके लिए जरूर इसकी रेसिपी बना के दूँगी। अब मैं इसके ऊपर इसका लेयर लगा दूँगी। और कंडेंस मिल्क नहीं है तो इसकी जगह पर आप मलाई में बूरा डाल के भी ले सकते हो, वो भी लगा सकते हो। दूसरा ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे। इसी तरह से हम सारे ब्रेड तैयार कर लेंगे। ये मैंने सारे ब्रेड तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसके पीस कट कर लूँगी। मैं इसको पहले 4 में डिवाइड करूँगी। ये देखिए, अब मैं इसकी ट्रेंडल शेप दूंगी। तो इस तरह से आप बीच में से कट कर लें। ये देखिए, इसी तरह से मैं सारे पीसेज कट कर लूँगी। ये हमने सारे पीसेज कट कर लिए हैं और इनको मैं अब एक प्लेट में रख लूँगी। और अब हमने जो रबड़ी बनाई थी ना, उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन करे तब आप बना सकते हो। इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लगा रही हूँ मैं इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रीमी क्रीमी और एकदम बिल्कुल बहुत ही टेस्टी, और देखने में बहुत सुंदर लग ही रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, आप भी ट्राई करें, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, अपना चैनल बकवादार भी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।